स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन पर। उत्तराखंड दर्दनाक सड़क हादसों की कड़ी में फिर एक खबर पिथौरागढ़ जिले से सामने आ रही है, जहां एक कार के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में समा जाने से उसमें सवार दो एसएसबी जवानों की मौके पर मौत हो गई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बैरीनाग तहसील क्षेत्र के भट्टी गांव निवासी मनोज कुमार पंत एसएसबी की 11 बटालियन में एएसआई के पद पर तैनात थे। बताया गया है कि वह अपनी कार वाहन संख्या UK07DT4557 में सवार होकर डीडीहाट थल मार्ग से कहीं जा रहे थे। उनके साथ कार में इसी बटालियन में तैनात देहरादून जिले के गुजरावली सिद्धिविनायक कॉलोनी थाना रायपुर निवासी SCMT वीर सिंह पुत्र करण सिंह भी सवार थे। इस दौरान जैसे ही उनकी कार थल डीडीहाट मार्ग पर लाल घाटी नामक स्थान पर पहुंची तो एकाएक अनियंत्रित होकर कार गहरी खाई में जा समाई, जिसमें एसएसबी के दोनों जवानों की मौके पर मौत हो गई। इस दुखद घटना से जहां दोनों जवानों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं उनके क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।